नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ के अंदर शर्ट का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल सा देखिए, एक शर्ट, सिंपल सा शर्ट डिज़ाइन किया हुआ है कोरल ड्रॉ के अंदर। तो आप कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। इस तरह का सिंपल सा शर्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। फ़िलहाल मैं कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सिंपल और ईजी तरीके से बताऊँगा ये पूरा का पूरा शर्ट बनाकर कैसे बनाते हैं। तो इस शर्ट को मैं क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप टूल बॉक्स में चले जाएं और यहाँ पे ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करें। करने के बाद इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप हम लोग बना लेंगे। ये देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर सिंपल सा रेक्टेंगल शेप मैंने बनाया है। बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है जिसे हम लोग शेप टूल बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर जो मेनू बार है, अरेंज में जाएं। जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कन्वर्ट टू कर्व्स। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर, ऊपर वाला इस पोर्शन पर, लाइन पर यहाँ पर माउस पॉइंटर रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोड आ जाएगा। ये देखिए, मैंने दो बार माउस का लेफ्ट क्लिक किया, ऐसे भी ला सकते हैं नोड, अदरवाइज सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इस जगह पे और यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे दिखाई देगा। सेव टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ ऊपर दिखाई देगा, इससे भी आप एड नोड्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो दो नोड यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पकड़ के थोड़ा सा हल्का सा इसको हम लोग ऊपर इस तरह उठा देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर इस तरह उठा दिया। ये उठाने के बाद, और ज़्यादा उठाना है तो ऊपर आप उठा सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक होने के बाद ये जो टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो आउटलाइन है थोड़ा सा थिक कर देंगे, बहुत पतला दिखाई दे रहा लाइन। तो यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हेयर लाइन का एक यहाँ से एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ से आप 4.8 जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउटलाइन बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाथ बनाएंगे शर्ट का। तो हाथ बनाने के लिए सिंपल सा अगेन आप टूल बॉक्स में चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और नॉर्मल से इस तरह मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एक बॉक्स इस तरह क्रिएट कर लिया, सिंपल सा बॉक्स मैंने क्रिएट किया। थोड़ा सा और थोड़ा सा लंबा रख देते हैं, ये मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पर चले जाएँ और इसको सेव टूल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अरेंज में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये जो दो पॉइंट आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है, इस पर ऐसे सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आप ड्रैग कर दें नीचे, हाथ थोड़ा सा इस तरह पॉइंटिंग की तरफ नीचे चला जाएगा, बाँ इसका हो गया। हो जाने के बाद फिर बाहर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप इसको चाहें तो इसका आप यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं। काटने के लिए यहाँ पर एक टूल ले लें, यहाँ से ये वाला, सॉरी, से रेक्टेंगल टूल लिया और हल्का सा यहाँ पे इस तरह एक शेप बना लीजिए, इस तरह जैसे कटा हुआ नज़र आए, रख लिया। अब दोनों को इस तरह देखिए, मैंने दोनों शेप को इस तरह सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए, दोनों सिलेक्ट हो गया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है जिसको हम लोग ट्रिम ऑप्शन बोलते हैं, यहाँ पर ट्रिम है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको ड्रैग कीजिए, ये देखिए कटा हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इस पर माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, अब यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। ये एक हाथ बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथ मैंने बना दिया है। अब ठीक इसको यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ये देखिए मैं इसके साथ यहाँ पे लगा दिया, ये बन गया। अब इसका एक और कॉपी हम लोग बनाएंगे, इसका आउटलाइन मोटा कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके 4 पे क्लिक कर दिया, इसका आउटलाइन एक बन गया। आउटलाइन देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमाना है, ये देखिए यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देखिए मिरर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऐसे घूम जाएगा मिरर पे। उसके बाद सिंपली इसको उठा के यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे लगा दीजिए, ये देखिए मैं इस जगह पे लगा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोनों बाँह यहाँ पर बन गया। ये हो जाने के बाद, ये तो हो गया, अब क्या करना है, नीचे का ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस तरह मुड़ा हुआ, इस तरह
ये कैसे करेंगे? तो ये जो सेप है, ये वाला सेप, इस पर अगेन आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ पे ये जो सेप टूल है इस पर क्लिक करें। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली ये जो पॉइंट है पहले से कंट्रोल टू कब किया हुआ, सिंपली आप दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व का, कन्वर्ट लाइन टू कर्व का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। फिर बाहर क्लिक करें या इस पर एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से इसको आप इस तरह घुमा सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे घुमाना है, ये चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सा ये देख सकते हैं, ये बन गया। देखिए इस तरह का जैसे घुमा हुआ है, मैंने इधर घुमा दिया। तो हैंडल है इसको, आप जितना चाहें इस हैंडल से आप ऊपर नीचे जिधर चाहें आप इसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ तक तो बन गया। ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, तो ये सब काम हो गया, इतना सब बन गया। अब ये पॉकेट हमें बनाना है, ये वाला पॉकेट। तो पॉकेट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का रेक्टेंगल एक शेप हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप इस तरह बना लिया। बनाने के बाद ये रेक्टेंगल शेप बन गया। अगेन यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व्स, सॉरी शेप टूल पर क्लिक करें। करने के बाद अरेंज में जाएँ, जाने के बाद नीचे आएँ, यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बाहर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे दोनों को इस तरह सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ से ये देखिए डिलीट नोड पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ऐसा देखिए इस तरह का शेप आपका बन जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसा पॉकेट आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉकेट तो नहीं है। पॉकेट में देखिए यहाँ से स्ट्रेट है, प्लस यहाँ से स्ट्रेट है, नीचे में थोड़ा सा कर्व किया हुआ है, तो इस तरह बनाना होगा। तो इसको फिलहाल हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। अगेन फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे गया, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप इस तरह बना लिया मैंने, ये देखिए बना लिया। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये मैंने शेप टूल पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ अरेंज में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये दोनों सिलेक्टेड है, इसको हल्का सा इस तरह नीचे आप इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए बन गया पॉकेट, ये देखिए पॉकेट मेरा बन गया। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से पढ़ के आप इसको छोटा यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे ठीक इस जगह पे आप इसको हल्का सा यहाँ पे लगा दीजिए। इसको आप छोटा बड़ा चौड़ा जितना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा ये से बड़ा, ठीक है। ये हो गया पॉकेट। पॉकेट हो जाने के बाद ये सब हो गया, पॉकेट हो गया। अब इसका आउटलाइन को भी ठीक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से फोर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। पॉकेट बन गया जी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला हम लोग बनाएंगे इस जगह पे। सेम वही टेक्निक से बनाना है आपको। टूल बॉक्स में जाएं और ये जो टूल है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करें और इस तरह एक रेक्टेंगल शेप हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल एक शेप बना लिया। उसके बाद अगेन शेप टूल पर क्लिक करें। करने के बाद अगेन आप अरेंज में जाएं, ये कंट्रोल टू कर्व कर सकते हैं, नीचे में जाके कन्वर्ट टू कर्व्स पर क्लिक कर दें। करने के बाद सिंपल है, ये दोनों जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको दोनों सेफ टूल से सिलेक्ट करें और यहाँ से माइनस से डिलीट कर दें। देखिए बन गया यहाँ से, ये देखिए बन गया। अब इसको क्या करें, पिक टूल पे क्लिक करें। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे आपको लगाना है। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ। अब हल्का सा इसको आप थोड़ा सा इधर बढ़ा सकते हैं, इसको भी इधर आप बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। इसका आउटलाइन को तो ठीक करना है, हेयर लाइन में जाते हैं, यहाँ से फोर पॉइंट कर देते हैं। ये बन गया जी, देख सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया, यहाँ पे ऐसे इसको लगा देना है। थोड़ा सा इसको एरो की से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए एरो की से मैंने एडजस्ट कर लिया, तो पूरा बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें कलर देना है, फिर बटन देंगे। तो कलर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को, इस शेप को। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए कलर का पैलेट है, यहाँ से जो आपको कलर अच्छा लगे, यहाँ से मैं पिंक पसंद है तो इस पर क्लिक कर दिया। पिंक कलर पूरा फिल हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ से पिंक कलर पे क्लिक कर देंगे, हाथ भी फिल हो गया, देख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग पिंक कलर पर क्लिक कर देंगे। पिंक कलर से ये देखिए बन गया, देख सकते हैं, ये इतना बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डीप करना है, पॉकेट है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से थोड़ा सा डीप वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये जो आपको अच्छा लगे। तो डीप वाला ले लिया, ये देखिए पॉकेट मेरा बन गया। ये हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करना है, इसको क्लिक कीजिए, इस ये वाला शेप को, और इसको कलर तो ऑलरेडी फिल है, नहीं फिल है तो इस फिर से इस पर फिल कर दें। उसके बाद यहाँ टूल बॉक्स में जाएं,
जाने के बाद ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है इंटरएक्टिव टूल, इस पर क्लिक करें और नॉर्मल इस तरह ड्रैग कर दें। ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, इस तरह देख लीजिए, इस तरह ड्रैग कर सकते हैं। ये यहाँ पे हैंडल दिया है, इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से अगर फिल करके रखिएगा तो यहाँ पे कलर आपको दिखेगा, यहाँ से कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला चेंज कर सकते, लेकिन वाइट ही रखें तो बेहतर है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा वाइट ही रख दे रहा हूँ। ये हैंडल दिया हुआ, इससे कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया, देख सकते हैं ये बन गया, देख सकते हैं ये तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, अब यहाँ से ये जो एलिप्स टूल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एलिप्स टूल पे, और नॉर्मल सा छोटा सा एक यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए बन गया, इसको ब्लैक या वाइट जो भी करना है वाइट से फिल कर दिया। ये देखिए यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, या तो इसको सीधा इसे ड्रैग करिए और राइट क्लिक कर दीजिए, ऐसे भी इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अदरवाइज एडिट में जाके यहाँ से इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, तो एक डुप्लीकेट देखिए यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गया है। अब सबको इस तरह ड्रैग करके इस तरह ड्रैग कीजिए और सबको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट हो गया, फिर अरेंज में जाइए, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर दीजिए, सब ग्रुप हो गया, देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, अब शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा करना है तो शिफ्ट दबाइए, हल्का सा इस तरह ड्रैग कर दीजिए। देखिए पूरा का पूरा एक शर्ट डिज़ाइन हो चुका है, जो शर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा शर्ट डिज़ाइन हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग शर्ट डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। आप किसी में भी कर सकते हैं, किसी वर्सन में भी कर सकते हैं। अगर मान लेते इसको थोड़ा पतला करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाइए, जाने के बाद यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, यहाँ से इसका आउटलाइन थोड़ा पतला करना है, ज़्यादा मोटा दिख रहा है तो यहाँ से 2 पॉइंट कर देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं ये वाला। अब यहाँ से कटिंग किया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जाके इसको अनग्रुप करना है, यहाँ से जाके इसको अनग्रुप कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक का वो पार्ट पे क्लिक करके इसको आप क्लिक कर दिया, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट कर देते हैं, ये ठीक है। सेम उसी तरह इस पर क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रेक का वो पार्ट पे क्लिक करेंगे, बाहर ये अलग हो गया, इसका आउटलाइन को थोड़ा सा पतला कर देंगे, 2 पॉइंट कर दिया तो थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आएगा, देख सकते हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है, फिर से इसको सबको सिलेक्ट करें इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अरेंज में जाएं, जाने के बाद यहाँ से ग्रुप कर दीजिए, तो पूरा का पूरा देख सकते हैं ये शर्ट मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसको क्लिक करके जिधर ड्रैग करना है, छोटा करना है तो शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए मेरा शर्ट छोटा हो गया। तो इस तरह आप शर्ट का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।